फाइनली रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपने रियलमी 3 प्रो, बट आज की नोट से बात करने वाला हूँ उस रियलमी 3 प्रो के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। इन शॉर्ट आज की वीडियो से बात करने वाला हूँ टॉप 10 प्रॉब्लम्स इन रियलमी 3 प्रो। अगर आप जो रियलमी 3 डिवाइस लेना चाहते हो, बट अब मैं बोलना चाहूंगा कि आप इधर रुक जाओ, क्योंकि रियलमी 3 प्रो में काफी सारी कमियां हैं और जो है यूट्यूबर्स ने जो है उन कमियों को जो है हाईलाइट नहीं करा या फिर बताया नहीं अपनी वीडियो में, बट आज की वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ एंड इस वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम। सो इस बात के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में इस फोन के अंदर, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है इस फोन के, तो इस फोन में जो आपको और जैसे कि नॉर्मल फोन्स में डिजाइन देखने को मिलता है रियलमी की डिवाइस में, वही डिजाइन जो इस बार रियलमी 3 प्रो में चेप दिया है। इसमें जो कोई भी नया डिजाइन नहीं दिया, वही जो है नॉर्मल डिजाइन चलता है आजकल, जो मोस्ट ऑफ द फोन्स में आ रहा है वही जो है रियलमी वाले देंगे, जो कि आप पीछे देख सकते हो अपनी रियलमी की अपने जो है फोन में, वही जो है मतलब मेन जो डिजाइन है यही जो है हर बार जो दिया गया रियलमी की तरफ से, और मतलब जो डिजाइन को तो बिल्कुल चेंज ही नहीं कर रहे रियलमी वाले। मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि रियलमी वाले बार बार जो है एक डिज़ाइन को क्यों दे जा रहे हैं, इस बार भी जो है वही डिज़ाइन कॉपी कर दिया। शायद रियलमी को जो है ये प्रॉब्लम जो है इम्प्रूव करनी चाहिए इस रियलमी 3 प्रो वाले डिवाइस में, एक थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करते तो काफ़ी अच्छा रहता, बट ये जो डिज़ाइन जो है वापस हमें सेम टू सेम कि सिमिलर देखने में मिल रहा है रियलमी 3 प्रो में भी। तो इस बात करते हैं इसके सेकंड रीज़न के बारे में, जो कि रियलमी 3 प्रो में जो है काफ़ी बेकार रीज़न है, वो है इसकी पॉलीकार्बोनेट मेटल बॉडी। मेटल की बात नहीं कर रहा था, पॉलीकार्बोनेट बॉडी की बात कर रहा हूँ, जो कि इसके बैक में दी गई है। तो गाइस जो रियलमी 3 प्रो का जो बैक है, बैक पैनल है, जो कि आप देख सकते हो, इसमें जो है पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दे रखी है। पॉलीकार्बोनेट का मतलब ये होता है कि प्लास्टिक बॉडी। तो ये जो फोन अगर आपसे गिरेगा तो काफ़ी जल्दी टूटेगा, और जो है इसमें जो है मतलब पॉलीकार्बोनेट बॉडी तो दे दी, बट इसमें जो कंपनी ने पॉलीकार्बोनेट बोले जा रहे हैं, बट किसी को पॉलीकार्बोनेट का किसी ने बताया नहीं कि प्लास्टिक बॉडी है। तो प्लास्टिक बॉडी जो इस बार दी है, अगर मेटल दिया जाती तो फिर भी मानते, बट जो है प्लास्टिक बॉडी जो रियलमी की दी है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सही नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म अगर आप फोन को चलाना चाहते हो, साल अगर आप फोन को केयर रखते हो, तो ये फोन जो है ठीक होने वाला है। और अब बात करते हैं थर्ड रीज़न की, तो रियलमी प्रो के अंदर जो थर्ड रीज़न है वो है इसका नो प्रोटेक्शन। तो इस बैक पैनल में चलो मैं मानता हूँ कि डिज़ाइन भी पुराना दे दिया ना कि, और पॉलीकार्बोनेट बॉडी भी दे दी, बट जो इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती रियलमी 3 प्रो में। मतलब पीछे तो जो है कोई भी कॉर्निंग ग्लास नहीं देखने को मिलता। अगर आपका फोन गिरेगा तो काफ़ी जल्दी टूट सकता है और ब्रेक काफ़ी जल्दी हो सकता है। इस बार रियलमी 3 प्रो ने कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं दी, डिज़ाइन भी पुराना चेप दिया, और तो और इसमें जो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी भी दे दी। तो तीन रीज़न तो रियलमी 3 प्रो के तो यही होगा कि आपको जो है काफ़ी डिसहार्ट नहीं लगेंगे अगर आप जो है फोन, और सबसे बड़ी बात कि फोन को पकड़ने में प्रीमियम फील बिल्कुल नहीं आएगी, जैसे कि रेडमी नोट 10 पकड़ोगे अपने हाथ में या फिर और भी कोई डिवाइस पकड़ोगे अपने हाथ में, तो यार मतलब प्रीमियम फील नहीं आने की रियलमी 3 प्रो को पकड़ के ऐसे कंपैरिजन देखे तो, ये प्राइस तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। और बाकी तीन रीज़न है। अब बात करते हैं फोर्थ रीज़न की रियलमी 3 प्रो में, जो कि काफ़ी डिसहार्टनिंग है। इसमें जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट का यूज़ करा गया, इधर जो है माइक्रो सी टाइप का यूज़ नहीं करा गया, इधर माइक्रो यूएसबी का यूज़ करा गया। भाई अब पता नहीं रियलमी वाले कौन से ज़माने में दे रहे हैं, 2012 में दे रहे हैं, 13 में दे रहे हैं, फिर 15 में दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट इस बार जो है सी टाइप इस बार रियलमी वालों ने नहीं दिया बिल्कुल भी अपने फोन में। काफ़ी लोगों की उम्मीद थी कि सी टाइप देंगे, लीक्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी कि सी टाइप देंगे, बट सी टाइप नहीं दिया। मानता हूँ कि इधर फास्ट चार्जर दे दिया, फास्ट चार्जिंग केबल दे दी, बट सी टाइप किधर है भाई? रियलमी वाले के पास इनका आंसर होगा तो ज़रूर ये जो है एक्सप्लेन करेंगे। और बात करते हैं अब उसने फिफ्थ रीज़न की, जो कि मतलब वो भी काफ़ी ठीक ठाक रीज़न है। तो गाइस रियलमी वाले बोलते हैं कि हम जो है अपना 64 मेगापिक्सल का कैमरा देंगे। तो गाइस पहले ही बता दूँ 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, ये अपने आप में फेक बोल रहे हैं, फिर अब मुझे नहीं पता अपने रियलमी डिवाइस की हाई बनाने के लिए बोल रहे हैं या फिर फोन की सेल्स बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। बट इस फोन में जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को ही नहीं मिलता, बॉक्स वगैरह में लिखा गया है जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इधर कोई हार्डवेयर बेस्ड नहीं है कैमरा। हार्डवेयर में इन द सेंस, तो हार्डवेयर जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल, जो कि सोनी IMX सेंसर बेस्ड है। जो वन प्लस सिक्सटी और वन प्लस सिक्स में जो यूज़ करा गया था वही कैमरा, वही जो सोनी IMX सेंसर देखने को मिल रहा है इस रियलमी 3 प्रो में। बट जो है इधर मतलब 64 मेगापिक्सल का काफ़ी लोग बोल रहे थे 64 मेगापिक्सल का मोड है, जिसमें जो 64 मेगापिक्सल तक की रेजोल्यूशन जो है शूट करता है। 64 मेगापिक्सल कैमरा है ही नहीं इस फोन के अंदर, 16 मेगापिक्सल कैमरा जो है देखने में मिल जाता है। ये काफ़ी लोगों को है डाउट था, ये जो मैंने इस रीज़न में क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ रीज़न के बारे में, पांच रीज़न हो चुके हैं, बात करते हैं सिक्स्थ रीज़न के बारे में इस फोन के बारे में, जो कि रियलमी 3 प्रो में नहीं देखने को मिलता, वो है एमुलेट पैनल। तो यार एमुलेट पैनल जो मैं मानता हूँ कि प्रीमियम फोन में आता, जो कि 15 से 20 हज़ार से ऊपर की रेंज होती है या फिर 20 हज़ार के अंदर होते हैं, कुछ कुछ फोन में तो देखने को मिल जाता है एमुलेट पैनल, तो इस फोन में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। फोन में काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी हमें, बट इस पर जो कोई भी रियलमी 3 प्रो ने फुलफिल नहीं करी। इसमें जो है एमुलेट पैनल का भी यूज़ नहीं देखने को मिलता। अब बात करते हैं इसके अगले रीज़न की, जो कि सेवन्थ रीज़न है इस रियलमी 3 प्रो का। तो इस सेवन्थ रीज़न ये है कि इसमें जो कलर ओएस में अपडेट्स तो मानते हुए चलो डालते हैं रोज़, मतलब कुछ ना कुछ हर महीने अपडेट देते हैं कलर ओएस के, बट यार इसका जो यूज़र इंटरफेस बहुत घटिया है, कचरा बोल सकता हूँ, इधर एक कचरा वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं,
कलर ओएस बहुत बेकार लगता है मुझे बिल्कुल। ये पर्सनली मैंने यूज़ करा था कुछ टाइम के लिए, तो कलर ओएस जो है बिल्कुल बेकार जो है इस बार रियलमी ने जो है अपना मतलब जो है यूज़ करा। शायद ये अलग अपना ओएस खुद का मतलब कुछ डेवलप करके फिर कलर ओएस 6 को कलर ओएस 7 डाल सकते थे, कुछ चेंज कर सकते थे, बट ये जो कलर ओएस बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जो है यूज़र इंटरफेस ख़राब कर देता है फ़ोन की। अब बात करते हैं अगले रीज़न की। तो गाइस इसका आफ्टर सेल सर्विस, तो यार आफ्टर सेल सर्विस बेकार है, मतलब अगर आप फोन खरीद लोगे तो इसके बाद सर्विस बिल्कुल नहीं मिलेगी। इंडिया में जो काफ़ी कम जगह है अपने हिसाब से अभी सर्विस सेंटर तो खुले ही नहीं रियलमी की, जहाँ पे जो आपका फोन ठीक कर दे, मतलब सर्विस सेंटर तो ना के बराबर है इस जो रियलमी कंपनी जो है सर्विस सेंटर दे नहीं रही। अब यार अब फोन बाई चांस आपका एक साल बाद या दो साल बाद तो वारंटी के बाद में खराब हो जाता है, तो आप कहाँ जाओगे यार, वो तो रियलमी वालों से पूछोगे। अगर कुछ कुछ अभी जो पीछे केस निकल गया था जो रियलमी वालों के फोन में दिक्कत थी वो अब ओप्पो वाले सर्विस सेंटर में जा रहे थे, बट वो बस ओप्पो वाले सर्विस सेंटर जो है मतलब बाहर मतलब भगा रहे थे कि हमारा जो फोन ये रियलमी का, मानता हूँ कि ओप्पो जो है सब ब्रांड रियलमी का, बट जो है ओप्पो का अपना अलग शोरूम है, रियलमी अपनी अलग कंपनी है। रियलमी का मतलब कोई शोरूम तो दिल्ली में है ही नहीं मेरे हिसाब से तो, और अभी मैं इंटरनेट पर चेक करके दिखा दूंगा तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीनशॉट में कि इधर जो है कोई भी सर्विस सेंटर देखने को नहीं मिलता रियलमी का। हाँ लोकल शॉप देखने को मिल रहा है रियलमी की डिवाइस ठीक करने के लिए, बट इधर जो कोई भी ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं है रियलमी का, जो कि रियलमी 3 प्रो अगर आपका फोन खराब हो तो आपका ठीक नहीं होगा रियलमी 3 प्रो आसानी से। अब बात करें इसके अगले दिन की, जो कि मुझे बहुत डिसहार्टनिंग लगा अपने आप में, वो है इसका जो कि हीटिंग प्रॉब्लम, जो कि अपना 8th रीज़न आता है वो है हीटिंग प्रॉब्लम। तो गाइस हीट जो है फ़ोन बहुत ज़्यादा करता है, हद से ज़्यादा 9th रीज़न जो है इसका बता रहा हूँ, हीटिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है इस फोन के अंदर। अगर आप पबजी लवर हो या फिर पबजी गेम खेलते हो तो यार इस फोन को बिल्कुल मत लेना। इसका जो है ये जो स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर तो दे रहे हैं, बट इस फोन में 710 देने का फायदा कुछ भी नहीं है, 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी देने का कुछ फायदा नहीं है जब तक जो है फोन में हीटिंग होगी। मानता हूँ जितना नैनोमीटर कम होता है उतनी अच्छा जो है परफॉर्मेंस दी जाती है, उतना अच्छा फोन जो है कूल रहता है, ठंडा रहता है फोन, बट जो है उल्टा केस हो रहा है जो है फोन काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है। फोन का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस समझते हो। अगर अभी मैं चेक करूँ अभी दिल्ली का टेम्परेचर इन द सेंस, तो आप अभी देख सकते हो कि 41 डिग्री टेम्परेचर है, 41 डिग्री आपको पढ़ने में आ रहा हो तो देख सकते हो, मैं एक्सपोजर अनलॉक करके दिखाता हूँ तो जो है 41 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है अभी इस टाइम पे। बट जो है रियलमी का जो डिवाइस है 45 डिग्री यार आप समझ सकते हो, 45 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। अभी बाहर जो अभी दिल्ली में गर्मी है वो 41 डिग्री तक की है, और 45 डिग्री जो है आपको फोन गर्म हो जाएगा अगर आप गेमिंग करोगे या फिर कोई भी हैवी टास्क परफॉर्म करोगे अपने फोन में। और बात करें अपने 10th रीजन की, जो कि लास्ट रीजन आता है वो है आईए ब्लास्टर। तो मैं आईए ब्लास्टर को मेजर इशू नहीं कह रहा, बट माइनर इशू में काउंट कर रहा हूँ, मेजर इशू इन द सेंस क्योंकि देखो आईए ब्लास्टर आजकल के फोनों में नहीं आ रहे, मानता हूँ इस फोन में नहीं आ रहे, बट रियलमी को शायद देते तो काफी अच्छा था। 6-7 हज़ार के फोन में आते रेडमी 4 है, आपने डिवाइस का नाम सुना होगा, कन्फर्म सुना होगा, उसका उस फोन के अंदर आईए ब्लास्टर था, और वो डिवाइस मैंने काफी टाइम तक यूज करा था अपने मतलब काफी टाइम तक उस फोन से वीडियो भी शूट करी थी, तो वो फोन में आईए ब्लास्टर था, बट इस फोन में आपको नहीं देखने में मिलेगा रियलमी 3 प्रो में। तो मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ तो क्या कहूँ, मतलब एक तो और डिज़ाइन दे दिया ना कि पीछे कुछ प्रोटेक्शन दी फोन के अंदर, 64 मेगापिक्सल की तो ऐसी हाइप बना रहे अपने मार्केट में, और तो हीटिंग प्रॉब्लम भी दे रहे रियलमी वाले, सी टाइप पोर्ट भी नहीं दिया इस फोन में, और मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर मैं गिनने में आऊँ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो रियलमी 3 प्रो में निकल के आ सकती है। ये जो फोन है अभी मैं सबसे बोलूँ तो 14 हज़ार के हिसाब से वर्थ नहीं है फोन, अभी फोन को मत लेना। भले ही कैमरा अच्छा है, बट कैमरा नोट 7 प्रो से कम बेहतर तो कैमरा भी अच्छा नहीं है, फ्रंट का कैमरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यार मेरे हिसाब से जो फोन अभी मत लेना, इस फोन को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। इस फोन के बारे में आपको ये छोटे मोटे जो भी पॉइंट बताए 10 रीज़न अगर आपको पसंद आए तो लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी रियलमी फैन वीडियो देख रहा हो तो यार दिल भी मत लेना इस वीडियो, क्योंकि देखो अब जो है हर फोन में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है। अब मैंने जो पर्सनली नोट 5 प्रो बाय कर रहा था तो मैंने इसमें कमियाँ भी बताई थी कि नोट 5 प्रो में कुछ कमियाँ हैं, तो यार जब मैं मतलब फोन में मैंने कुछ कमियाँ बताई तो यार इस फोन में भी कुछ कुछ कमियाँ बतानी जरूरी थी, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने आई या फिर मीडिया वाले ने हाईलाइट ही नहीं करी थी, मुझे लगता है कि उनको पेड करा गया था, बट मैं तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा। अब ये जो वीडियो को करते हैं ना, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसे लगी वीडियो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एंड इस वीडियो को एंड कर दिया। बाय।